तो गाइस आप देख सकते हैं इस चैनल का जो एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग है वो 1300 डॉलर से लेकर के 20,000 डॉलर तक ये पर मंथ यूट्यूब से अर्निंग करता है। इसका जो मिनिमम अर्निंग है गाइस वो 1300 डॉलर है। अगर हम 1300 डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 108,000 हो रही है, यानी कि गाइस ये यूट्यूब चैनल सिंपल से वीडियोज बना करके 1,00,000 अर्निंग करता है। समझ रहे हो भाई, सिंपल से वीडियोज बना कर 2 मिनट का वीडियो बना करके। तो आज का जो वीडियोज होने वाला है गाइस वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। आज की इस वीडियो में गाइस आप लोगों को एक ऐसे कंटेंट के बारे में बताने वाला हूं, आपको सिंपल से 2 मिनट का वीडियो बनाना होगा, ठीक है। 2 मिनट का वीडियो बनाकर आप अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें और आपके वीडियो पर ना ही आपको फेस दिखाना होगा और ना ही आपको वॉइस ओवर करना होगा। जो लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं, पैसे अर्निंग करना चाहते हैं, बट वो उनके वीडियो पर ना ही फेस दिखाना चाहते हैं और ना ही वॉइस ओवर करना चाहते हैं। उनको फेस दिखाने में शर्म आती है या वॉइस ओवर करने में उनको थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, प्रॉब्लम होती है, वो नहीं कर पाते हैं। बहुत भाई लोग हैं, मुझे बहुत कमेंट करते रहते हैं। इसीलिए गाइस आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट कंटेंट, एक बेस्ट चैनल आइडियाज लेकर आ चुका हूं, ठीक है। चैनल को अगर आप क्रिएट करेंगे, इस तरह का वीडियोस अगर आप बनाएंगे तो आपको ना ही फेस दिखाना होगा और ना ही आपको वॉइस ओवर करना होगा, ठीक है। यानी कि विदाउट फेस विदाउट वॉइस पर आप इस चैनल पर काम कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है गाइस कि आपको ज्यादा टाइम भी देने की जरूरत नहीं है वीडियो बनाने के लिए। यह नहीं कि आपको वीडियो रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एडिटिंग करना पड़ेगा, थंबनेल बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, दिन भर कर आपको YouTube पर ही लगे रहना पड़ेगा, ऐसा गाइस आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आपको दिन में 10 से 15 मिनट देना है, 10 से 15 मिनट देकर आप एक वीडियो को रेडी कर सकते हो, ठीक है। एक नहीं, 2 वीडियो को आप रेडी कर सकते हो 10 15 मिनट में, ठीक है। इतना सिंपल मैं कंटेंट बताने वाला हूं आज की इस वीडियो पे, ठीक है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिए। अब गाइस मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपको क्या कंटेंट बनाना होगा, ठीक है। तो YouTube पर आकर मैंने यहां पर सर्च कर दिया कार रेसिंग। कार रेसिंग सर्च करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर जो वीडियो आ रहा है, ये वीडियो पर देखो 2 दिन पहले ये वीडियो का अपलोड किया है, 22,000 व्यूज आई है। उसके बाद नीचे देखो ये 9 दिन पहले अपलोड किया गया है, 56,000 व्यूज आई है, ठीक है। उसके बाद और नीचे जाएंगे, देखो 3 मंथ पहले ये वीडियो का अपलोड किया गया है और इस वीडियो पर व्यू देखो 51,00,000 व्यूज आई है, ठीक है। समझ रहे हो कितना अच्छा खासा व्यूज आते हैं। चलो अब मैं इसी चैनल को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इस चैनल पर देखिए सब्सक्राइबर, देखिए 60,000 सब्सक्राइबर होने वाला है और उन्होंने इतना वीडियो सबको अपलोड कर दिया है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये चैनल कब क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हैं फरवरी महीने में ये चैनल को क्रिएट किया गया है, ठीक है, 2023 का चैनल है, समझ रहे हो भाई। और इनके मोस्ट पॉपुलर वीडियो का अगर मैं व्यू दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं 51,19,000, 26,000 ऐसे करके पर वीडियो पर व्यू है। अब ये क्या वीडियोस अपलोड करता है, चलो एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप के वीडियोस अपलोड करता है और इनके वीडियो पर ना ही फेस है ना ही वॉइस है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इनका चैनल मोनेटाइजेशन है, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैनल मोनेटाइजेशन है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इन चैनल पर सुपर थैंक्स बटन इनेबल किया हुआ है। तो ये सुपर थैंक्स बटन तभी मिलता है गाइस जब चैनल मोनेटाइजेशन होता है। तो ये तो आपको पता होगा ये चैनल मोनेटाइजेशन है। और ये किस टाइप के वीडियोस अपलोड करते हैं वो ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप का वीडियो है, ये कार रेसिंग वीडियो है, ठीक है। आप देख सकते हैं रैम कार रेसिंग, ठीक है, रैम कार रेसिंग 3D एंड्रॉयड गेम प्ले, बस कुछ भी नहीं किया, 5 मिनट के वीडियो बनाए हैं, गेम प्ले किया है और अपलोड कर दिया है, फिर भी उनका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया और व्यूज़ देखो 51,00,000 व्यूज़ है, वॉइस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वीडियो है। तो ऐसा ये चैनल नहीं है गाइस, काफ़ी सारे यूट्यूब पर चैनल है जो कि इस तरह का वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं और एक चैनल मैं आपको दिखा देता हूँ, चैनल का नाम है किंग गेम, सब्सक्राइबर देखिए 38,00,000 सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब मैं वीडियो सेक्शन पर क्लिक करता हूँ और आपको दिखा देता हूँ इनके मोस्ट पॉपुलर वीडियो का व्यू। तो आप देख सकते हैं गाइस करोड़ों में व्यूज है, कुछ इस टाइप के वीडियोस अपलोड करते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 साल पहले यह वीडियो का अपलोड किया गया, 6.3 करोड़ व्यूज है, समझ रहे हो। उसके बाद देखो 4.8 करोड़ व्यूज है, उसके बाद देखो यहाँ पर 4.3 करोड़ व्यूज है, उसके बाद देखो ये वीडियो 4.1 करोड़ व्यूज है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे करोड़ों में व्यूज है, आप देख सकते हैं। और ये गाइस एकदम सिंपल सा वीडियो है, इतना झंझट झमेला कुछ भी नहीं है। तो इस तरह का वीडियोज बनाने के लिए गाइस आपको सिंपल सा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कार रेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे एप्लीकेशन आ जाएगा कार रेसिंग का, गेम में आपको मिल जाएगा, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कार मास्टर 3D रेसिंग, ठीक है, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कार रेसिंग गेम मिल जाएगा, यहाँ से गाइस किसी भी एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर किसी भी एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं।
तो कि गाइस प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट आपको ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन सर्च कीजिए एंड किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, एंड जो भी आप यहाँ पर काम करोगे, जो भी एक्टिविटी करोगे, जो कुछ भी यहाँ पर करेंगे गेम खेलते समय, उसको आपको जस्ट रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, आप देखिए कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको सिंपली से प्ले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्ले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आप चाहे तो क्या कर सकते हो, कार को यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कार देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको कार को पहले सिलेक्ट कर लेना होगा, चलो हम इसी कार को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर प्लेस बोल रहे हैं, तो यहाँ पर प्लेस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डे और नाइट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, आप किस मूड में चलाना चाहते हैं, डे या नाइट में, तो हम यहाँ पर डे सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी गाइस यहाँ पर डे सिलेक्ट करना होगा, या आप किसी भी या आप चाहे तो नाइट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप देखो गाइस ये हमारा जो गेम है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, साउंड को यहाँ पर थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, जस्ट आपको एग्जांपल दिखाने के लिए साउंड को हमने यहाँ पर कम कर लिया है। आप यहाँ पर एरो करके दिखा रहा है, यहाँ पर स्टार्ट लिखा रहा है, लाइट आ रहा है, स्लो आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है, आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ये गेम को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अब आप देखो अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और गेम को खेलते जाना। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपको कंट्रोल ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके इसका ग्राफिक वगैरह आप जो है यहाँ पर जो सेटिंग कर सकते हो, बट ये ग्राफिक काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलो इसको हम खेल लेते हैं। तो इसी तरीके से गाइस आपको खेलते जाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं कैसे खेल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल जाए कंट्रोलर, तरीके से गाइस आपको रिकॉर्ड करते जाना है और गेम को खेलते जाना है, बस और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं रोड पर नहीं ले जा पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ और यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, आप चाहे तो गाइस यहाँ पर वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। वॉइस ओवर किस तरीके से करना है, यहाँ पर आपको बोलते जाना है कि भाई मेरा पेट्रोल खत्म होने वाला है, आज मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ, देखते रहिए किस तरीके से मैं जाता हूँ, ये मेरा कार जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, रोड में नहीं जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलते जाना है, मतलब एक स्टोरी आपको क्रिएट कर लेना होगा गेम खेलते समय। ठीक है, आपको एक स्टोरी क्रिएट कर लेना, तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है। अब ध्यान से कि हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, आप किसे एडिट करोगे, चलो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एडिट भी आपको करना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत लोग गाइस कमेंट करते रहते हैं कि भाई इसको अगर हम खेल कर वीडियो बनाएंगे और हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आएगा, तो कॉपीराइट क्लेम स्ट्राइक कुछ भी नहीं आएगा गाइस। कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं गेम खेलते समय गेम का जो म्यूजिक होता है वो बंद नहीं करते हैं, वो ऐसे ही रख देते हैं और गेम खेलने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉपीराइट क्लेम आ जाता है म्यूजिक की वजह से। तो आपको गाइस म्यूजिक को बंद कर देना है, गेम का जो ओरिजिनल म्यूजिक है वो बंद कर देना है। साउंड को आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको म्यूजिक नहीं रखना है, बस यही आपको काम करना होगा। चलो अब मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप गाइस आपको करना क्या होगा, आपको बीटा एप्लीकेशन को ओपन करना है वीडियो को एडिट करने के लिए। एडिट करना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, आपको इतना प्रोफेशनल एडिट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एडिट है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, जो वीडियो आपने अभी तैयार किया है गेम खेल के, उस वीडियो को सिलेक्ट करके एरो वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, अब देखो गाइस आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है रेशियो। ठीक है, आपको सिंपल से रेशियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। रेशियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 16:9 रेशियो। ठीक है, उसके बाद गाइस कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत आपको जूम कर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पूरा आपको फुल स्क्रीन में कर देना होगा, गेम आपको फुल स्क्रीन में करेंगे तभी दिखने में मज़ा आएगा, बस यही आपको करना होगा। उसके बाद राइट टिक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा जिसका नाम है एडजस्टमेंट, तो इस एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा बहुत ब्राइटनेस का आपको 15% कर देना है, फिर सेचुरेशन को भी आपको यहाँ पर 20% कर देना होगा, बस यही आपको काम करना होगा, बस ओके। अब देखिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये हमारा वीडियो यहाँ पर हो गया है। ठीक है, और आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और YouTube से फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको डाउनलोड करके रख लेना होगा। और आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस YouTube से आपको कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको डाउनलोड करके रख लेना होगा और यहाँ पर आपको ऐड कर देना होगा। ठीक है, ऐड करने के बाद उसका जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा बहुत आपको कम कर देना होगा, बस ये काम करना होगा। उसके बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिकॉर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको गाइस यहाँ पर थोड़ा बहुत वॉइस ओवर कर देना होगा। अगर आप वॉइस ओवर नहीं करेंगे ना तो अभी आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने आपको चैनल दिखाया है वो चैनल वॉइस ओवर नहीं किया है, ना ही फेस दिखाया है, फिर भी उनका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है, तो आपका भी चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा अगर वॉइस ओवर नहीं करेंगे तो। ठीक है,
तो क्या है कि अगर आप वॉइस ओवर करेंगे तो आपकी वीडियो का जो क्वालिटी हैगा वो बन जाएगा और ऑडियंस जो आपका जो नया नया ऑडियंस आएगा वो आपकी वीडियो को फुल वॉच करेगा। अगर आप गेम खेलते समय कुछ स्टोरी क्रिएट करते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं, कुछ फनी फनी बात बताते हैं, अगर आप इस तरीके से करते हैं ना तो आपके वीडियो का जो कॉन्टेंट वैल्यू है वो बन जाएगा, ठीक है। और आपका ऑडियंस और आपके ऑडियंस आपकी वीडियो को फुल वॉच करेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पर गाइस काफ़ी सारे आपने गेमिंग चैनल देखे होंगे जिनके वीडियो पर मिलियन करके व्यूज आता है, मिलियन में सब्सक्राइबर है। क्यों पता है? उनके बातों की वजह से, उनके वॉइस की वजह से, उनके फनी फनी बातों की वजह से, कुछ कमेंट्री की वजह से। आपको वीडियो को एडिट कर लेना होगा। एडिट करने के बाद आपको करना क्या होगा, ऊपर में आपको रेशियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजोल्यूशन दिया गया है, तो आप यहाँ पर फुल HD को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर फ्रेम रेट को सिलेक्ट कर लीजिए 30 FPS, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस ये वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा आपके गैलरी पर और आप अपने चैनल पर अपलोड कर दीजिए। अब बात करते हैं गाइस इस वीडियो का कैटेगरी क्या रखें। आप बात करते हैं कि टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे। तो भाई टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको करना क्या होगा, आपको यूट्यूब पर जाना होगा। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कार रेसिंग गेम। आप जिस रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हो, जिस रिलेटेड वीडियो बनाते हो, उस रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो को सर्च करना होगा और देखना होगा कि भाई वो लोग आपका जो कंप्यूटर है वो लोग किस तरीके से टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन लग रहे हैं, किस तरीके से वो जो है थंबनेल बना रहा है, किस तरीके से वो अपलोड कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। देखने के बाद आपको सीखना होगा। सीखने के बाद उसी टाइप के आपको थंबनेल, उसी टाइप का आपको टाइटल को लिखना है। बस इस तरीके से आपको काम करना होगा गाइस, ठीक है। आई होप कि गाइस आप पूरा क्लियर कट समझ गए होंगे। ठीक इसी तरीके से गाइस आप लोग काम कर सकते हो, ठीक है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके मायने में बहुत ही अच्छा खासा पैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये था गाइस आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।